नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, 1 अगस्त 2024, देखिए अगस्त महीना आ गया, 8वां महीना आ गया। अब 1 अगस्त के लिए हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। फ्राइडे वीकेंड के लिए अगर आप उन लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल के बिल्कुल भी नहीं होगी। आज एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है कल निफ्टी का जब एक्सपायरी होगा तो आपको बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट देखने को बन सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो आज कैंडल बनाया है वो बिल्कुल कंफ्यूजिंग कैंडल बनाया है। देखिए, जितने प्रकार के संसार में डोजी बनते हैं, सीधा गप समझिए, डोजी कैंडल, ठीक है, जितने भी बने, ठीक है, जितने भी, वो सारे कंफ्यूजन को ही इंडिकेट करते हैं। और वो तभी क्लियर होगा जब या तो डोजी का हाई टूटे चाहे डोजी का लो टूटे। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखिए, हाई लगा है 51,663 का, ठीक है, और लो लगा है 51,335 का। तो आपको मैंने कल बताया था 51,000 और दूसरा 51,200 वाला एरिया, ये भी नजदीकी सपोर्ट का काम करेगा। 51,000 टूटने के बाद जो है वो 50,800 से लेके 50,500 तक का यात्रा कर सकता है, 50,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर जो रेजिस्टेंस है 51,000, सॉरी 52,000 नजदीकी, इसके ऊपर सस्टेन करता है, अगर ये क्लोजिंग करता है तो फिर हम पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन 53,000 के ऊपर जाने के बाद ही हमारा ट्रेंड बदलेगा, अदरवाइज अभी हम इसी तरह से लटके हुए रहेंगे। ऑप्शन डेटा लगे हाथ, हम लोग चेक कर लेते हैं पहले। अब 1 अगस्त 7 अगस्त वाला देखना पड़ेगा। एट द मनी अगर आप देखें 51,500 के आसपास हम लोग 600 पर क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पर पीसीआर 0.88 है, ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है, लेकिन 51,500 ही इसका मेक और ब्रेक लेवल, ये आपको ध्यान रखना है। 51,500 पर अगर हम देखें एरिया, तो 10 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर देखते हैं तो 10 लाख के आसपास है, 9.5 लाख, यानी कि कोई होशियार बंदा इसी एरिया पे बराबर बराबर बना के बैठा हुआ है। अगर 51,500 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब होता है तो पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। सेम कंडीशन 51,600 पे है, जहाँ पे 3 लाख के आसपास में पुट राइटर बैठा हुआ है और कॉल राइटर भी लगभग 4 लाख के मुकाबले में है। तो हमें जो देखना है मूवमेंट वो 51,600 के ऊपर देखेंगे, और 51,600 के ऊपर अगर वो जाता है तो कितना ऊपर जा सकता है, तो ये देखना होगा कि 52,000 वो एरिया है जहाँ पर ये रेजिस्टेंस पैदा लेगा। लगभग 9.5 लाख पुट कॉल राइटर है और पुट राइटर लगभग 4 लाख के आसपास में है। हाँ, 52,400 का एरिया आप ध्यान रखें, और 52,500 इसके ऊपर जाने में इसको बहुत दिक्कत है, वहां पे जाते ही सेलिंग आ जाएगा। नीचे नीचे कितना? तो भाई नीचे तो 51,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे 7 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 2.5 लाख है। इसी तरह 51,100 पे देखते हैं तो 1,17,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 23,000 है। तो आप कह सकते हैं कि 51,100, 51,200 आपका तगड़ा सपोर्ट एरिया। इस दो एरिया पे देखते हैं तो लगभग लगभग 3 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग लगभग 75,000 ही है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि 51,100 से 200 अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम लोग चार्ट पर और इसको टाइम फ्रेम करते हैं 15 मिनट। मैंने आज टेलीग्राम पर और अपने मोबाइल ऐप साथ ही अपने व्हाट्सएप चैनल पर ये लिख के दिया था कि आज मार्केट पूरा कंफ्यूज है, करना क्या चाहता है ये इसको खुद नहीं पता। तो इस चक्कर में इसने क्या बना लिया, एक बॉक्स बना लिया, ये देखो, ठीक है, एक बॉक्स बना लिया। और ऊपर से भी अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्रेंड लाइन बना लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि क्लोजिंग भले ही 51,550 पर कर रहे हैं, लेकिन एंट्री आपकी सही एंट्री 51,725 के ऊपर बनेगा। कितना के ऊपर बनेगा? 51,725। क्यों? क्योंकि उस एरिया पे ये बॉक्स टूट जाएगा और ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगा, इसके ऊपर जाने पर ही बाय करेंगे। और टारगेट जो होगा 51,800 का, ये पहला टारगेट होगा 51,800 का, जो कि ये हर्डल है। इस एरिया को अगर ये टूटता है तो ये 52,000 से लेके 52,200 की तरफ भागेगा, यानी कि 51,900, फिर 52,000 और 52,100 से लेके 52,200। फिलहाल ये एरिया आपको रेजिस्टेंस का मान टारगेट के लिए लिया जा सकता है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वो पुराना हर्डल है, 52,200-300 वाला हर्डल है, यहाँ पर आके एक बार रुक सकता है। आफ्टर 2:30 PM अगर ये
2:30 बजे के बाद 52,300 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये 52,500 तक का एरिया से लेके 52,800 तक का भी लेवल दिखा सकता है, चूंकि आज मूवमेंट हुआ नहीं है तो मूवमेंट पेंडिंग है, हो सकता है ये कल आपको मूवमेंट दिखा दे। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान रखें, आप 51,800 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं, इंडेक्स नीचे आने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेलिंग के लिए अभी देखिए, सेलिंग भी आपको ये ध्यान रखना है कि इस बॉक्स के नीचे टूटने पर ही एक सेलिंग देखने को मिलेगा, और वो एरिया आता है 51,300 का। तो जब तक 51,300 के नीचे ना निकले तब तक सेलिंग करना सही नहीं रहेगा, इसके नीचे निकले तो सेल करें, और टारगेट आप 51,000 का लेके चल सकते हैं 51,000 का। 51,000 अगर टूट गया तब आप इसके नीचे आने की कोशिश करेंगे 50,900 से लेके 50,800, ये एरिया आपका बहुत अच्छा सपोर्ट है। 50,800, 50,700, ये दो एरिया के आसपास में बीच में इसमें एक बाइंग बाउंस आ सकता है, ये एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए। और नीचे बहुत बड़ा हो ये बैठा हुआ है सपोर्ट, ये एरिया एकदम एकदम बाइंग वाला जोन है, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा सपोर्ट बढ़ता जाएगा, हालांकि इतना नीचे आना नहीं चाहिए तब तक जब तक कोई खराब खबर ना आ जाए। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से लेके चलेंगे 51,300 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप खुल गया, गैप अप डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है मान लेते हैं, और ये 52,000 से लेके 52,200 के आसपास में खुलता है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट डरे हुए लोग एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ से सेल करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे 52,000, 51,000 लिख सकते हैं, 51,900 से लेके 51,000, फिर ये एरिया पे आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 51,900 से 51,600 तक। पुट ऑप्शन की तरफ बात करेंगे तो आप 52,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो। और अगर ये गैप डाउन हो गया, गैप डाउन ठीक है, अब ये गैप डाउन हो गया मान लेते हैं, गैप डाउन डायरेक्ट अगर ये 51,000 पर हो जाए सपोज, 51,000 या 50,800 पर हो जाए या 900 पर हो जाए, तो जितना ज्यादा गैप डाउन खुले 51,000 से 50,800 के बीच में, हम लोग बाय ऑन डीप करेंगे, बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से 51,100 से लेके 51,500 तक का लेवल वापस से बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 51,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का दोस्तों विश्लेषण है। अब जरा निफ्टी देखते हैं जिसका कि कल एक्सपायरी है। निफ्टी बैंक निफ्टी का मुकाबले था ठीक रहा, हालांकि चूंकि ये अपने ज्यादातर हायर जोन पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें एक चांस ये रखना कि हम खरीदारी 25,000 के ऊपर करेंगे, भले 24,980 पे अभी इसका हमें ऑप्शन डेटा देखने का कोई जरूरत है नहीं, ऐसे ही पता चल रहा है कि 25,000 ये इसका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर बाइंग करना ठीक, उसके पास में क्लोज कर रहे हैं है ना, 24,980 पर क्लोज कर रहे हैं, क्लोजिंग चल रहा है आपका 24,950 पर, ठीक है नजदीक में ही ट्रेड कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो अगर ये 25,000 के ऊपर निकलने में कामयाब होता है तो हम एक बार बाइंग का रिस्क लेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से 25,050 से लेके 25,100, बहुत अच्छा रहा तो 25,150, उसके ऊपर नहीं, 25,100 से लेके 150 वाला एरिया रेजिस्टेंस का जोन कहलाएगा। यहाँ से आप कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से लेके चल सकते हैं, कॉल ऑप्शन सी कॉल यूरोपियन ले लिया जा सकता है, और ये ले जाया जा सकता है 25,000 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और एक छोटा सा जो ट्रेंड लाइन इसने यहाँ से ऐसे करके डेवलप किया है, अगर इसको ये तोड़ देता है, इनकेस मान लीजिए यहाँ से अगर ये तोड़ गया तो सेलिंग बनेगा, तो सेलिंग करेंगे 24,900 के नीचे, 25,000 के ऊपर बाय, और 24,900 के नीचे आने पर हम एक सेल का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट इस कंडीशन से 24,850 से 24,800, और खराब होने कंडीशन में 24,750। हालांकि 24,700 और 24,750 जो एरिया है ये अच्छा सपोर्ट एरिया, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इस एरिया के नीचे यहाँ पर आते ही आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया, तो मेरे ख्याल से 24,750 ही सफिशियंट है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 24,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन ये दोनों ही जो कॉल और पुट की बात कर रहा हूँ, चूंकि कल इसका एक्सपायरी है,
आपको नेक्स्ट एक्सपायरी वाला पे नजर रखना चाहिए। बात करता हूँ गैप अप, तो देखिए मैंने क्या बोला कि 25,000, इसका 50 पॉइंट का कोई जरूरत है नहीं, कम से कम 100-150 पॉइंट अगर ये खुलता है 25,100 से लेके 25,150, तो इस एरिया के आसपास जितना हो वहीं पर आपको सोल्ड करना यानी कि सेल करना है। इसी एरिया पर हमें जितना ऊपर 25,100-150 के आसपास मिले उतना जल्दी सेल करेंगे, सेल करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और टारगेट इस कंडीशन से 25,050 से 24,900 तक का फिर आपको मिल सकता है ये वाला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 25,100 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, ऊपर ना खुल के नीचे खुलता है, मान लेते हैं नीचे खुल गया और 24,750 से 24,800 पर खुलता है, एक बार ट्राई बनता है यहाँ पर बाय करने का। और अगर नीचे 650 में मिल जाए तो वहां पे जरूर बाय करना चाहिए। इस एरिया पे भी बाइंग बन सकता है, टारगेट इस कंडीशन से आप ले सकते हैं 24,850 से 25,000 के आसपास का टारगेट, या 24,950। कॉल ऑप्शन आप 24,800 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये दोनों ही कॉल और पुट नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेने की कोशिश करना है। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है 1 अगस्त 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। बाकी आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मॉड्यूल कॉल्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।